सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने कवरेज दिया, जो आपने हौसला अफजाई बख्शी है, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और आज दरअसल मेरी चौथी किताब की रस्म इजरा थी और ये दूसरा शेरी मजमा था जिसमें दो शेरी मजमे और दो नसरी किताबें अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं। और आज ये ख्वाजा शौखाल खिलवत में यादों के रज्जे के नाम से इस किताब का फंक्शन यहाँ पर अमल में आया गया और बहुत ही कामयाब रहा। और मैं समझता हूँ ये कामयाबी का सहरा तमाम मीडिया पर्सन के सर पे ज़्यादा रहेगा और सामाईन इकराम जो यहाँ पर मौजूद रहे, वक्त प्रोग्राम शुरू हुआ और मौके पर शुरू भी हुआ और जो वक्त मुकर्रर किया गया था उस मुकर्रर वक्त पर ख़त्म भी हुआ, ये बड़ी खुशाइन बात है। वरना दरअसल प्रोग्रामों में काफ़ी तखिर हो जाती है, देर से शुरू भी होता है, देर से ख़त्म भी होता है। बहरहाल बेहद शुक्रिया कि इस किताब की रस्म इजराई में आप सब ने मेरा साथ दिया और भरपूर आपका ताउन शामिल रहा, बहुत शुक्रिया। जो कुछ कहा उसको एक्सेप्ट करता हूँ और एक बात ये भी कह करता हूँ कि मेरी शादी जो है पायका की बेटी से हुई है, पायका की फैमिली में हुई है और उस लिहाज से मुझे बचपन से ही नवाब कहा जाता, वो एक अलग बात। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि आज का एक मुरासला सियासत में आया था और मैं तो जो है कोई शायर हूँ ना अफसाना निगार हूँ, हाँ मैं वेग से इंस्पायर होकर एक कहानियाँ लिखी थी जिसकी इसलाह भी मैंने वेग से ली और वेग इससे वाकिफ है। एक कहानी तो खुद हमारे मेमर अदब के मैगजीन में छपी थी और रहा उसके बाद जो मुतासिर हुआ तो जो है मौजूदा दौर में ये कह जिसमें वजन नहीं होता सो वो शायरी करता हूँ और कर रहा हूँ। इस प्रोग्रेसिव राइटर्स का रुकन होने, जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते भी ये तमाम चीज़ें मुझ पर आयद हो गई। खैर जाने दीजिए तमाम तमाम वाक़ात को कि किसी कहने से ना कहने से तो अच्छी चीज़ ये है कि वो सूरत शक्ल तो जो है वही दिखती है जो बेग साहब बोल रहे। तो हमारा मुख्तसर ये है कि जो है मैं तमाम हजरात का जो जो मेरे से खुश मैं एक हिंदी और उर्दू का सेवक हूँ ये भी बात बदला तो चलो आज का जो मुरासला पढ़ा मैंने खैर वो मोइन अफरोज के लिखा हुआ था सियासत में, उन्होंने एक हिंदी के ताल्लुक से एक लफ्ज इस्तेमाल किया था गजल का और अदबी उसमें जो है बहुत ही बड़ी बात है। आपको ये बात बताऊँ कि जो है शारजा एक मुकाम है जहाँ आज सारी दुनिया उसको शारजा के नाम से पुकारती है, तो हिंदी में अगर गज़ल बोलो या उर्दू में गज़ल बोलो उसमें तो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फर्क अगर मिटाना है तो शारजा बोलने वालों से पूछिए कि शारजा क्यों बोलते हैं, शारगा क्यों बोल, शारगा असल नाम है उसका, तो वो जीन वो जो अरबी वर्ड है और उसको जो उर्दू में तब्दील करें तो शारजा हो जाता है, तो लिहाजा उसमें कोई फर्क महसूस नहीं होता। मैं मोइन अफरोज साहब को जो है सिर्फ ये वजाहत करना चाह रहा था आज के उनके मुरासले में उन्होंने ये कहा, क्या मैं सही कह रहा हूँ कुछ गलत कह रहा तो आप। खैर बारह तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करते हुए सुनता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का बहुत तकलीफ उठा कर जो है यहाँ तक तशरीफ लाए और खुशन मोइन की जो है इस किताब की रस्म इजरा के लिए और उनकी हर किताब की रस्म इजरा का जो है फर्ज मैंने ही दिया। एक अजीब सी बात है यहाँ मेरे लिए बिलखसूस कि मैं उस शख्स की बाबत बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती, मैं क्या कोई भी नहीं जानती। इसकी एक वजह तो आपने अभी आपने सुनी, ये शख्स हमेशा अपने आप को जाहिर करने में तरह महसूस करता रहा या उसको ये पसंद ही नहीं कि वो कुछ करे,
कभी इन्हें मैंने स्टेज पे चढ़ा हुआ और तकरीर करता हुआ कभी मैंने इन्हें नहीं सुना। जलसों में देखते रहे लेकिन जब मेरी इनसे शनासाई हुई, ऐसे कुछ लम्हात हैं जिन्हें मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर सकती हूँ। आओ जरा मिल बैठ के ये तजुर्बे भी बांट ले, मैं तुझे तेरी सुनाऊं, तू मुझे मेरी सुना। आओ जरा मिल बैठ के ये तजुर्बे भी बांट ले, मैं तुझे तेरी सुनाऊं, तू मुझे मेरी सुना। वाकई जनाब परीज़ ज़ियाई साहब के बारे में बात करना मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं मौसूफ की अदबी जिंदगी से बिल्कुल वाकिफ नहीं के बराबर वाकिफ हूँ। ऐसे में अगर मैं जनाब सरदार सलीम साहब डॉक्टर मोइन अफरोज की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल हमीद साहब असिस्टेंट जनरल मैनेजर नाबार्ड अब्दुल हमीद खान साहब, जनाब फरीद ज़ियाई साहब की बिल्कुल ठीक करेंगे। महसूस किया गोरे चट्टे नीली आंखों वाले इस दरासत इंसान का दिल भी उसकी सूरत की तरह साफ और सुथरा है। नाम मुंह से दूर बेनियाज अपनी दुनिया में मगन, कोई हलचल कोई आवाज नहीं जब तक कोई आवाज कोई निदा उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं करती। अगर से क्या कुछ शायर हैं मगर कभी किसी प्लेटफॉर्म से अपनी शायरी को आवाम तक पहुंचाने की सही नहीं थी, उसके गैर मारूफ अदीबों और शायरों को आवाम में उतारूफ शायरी के दो मजमे दिल है बर्फ बर्फ और खुशी दिल है बर्फ बर्फ का दूसरा एडिशन एक साल बाद गया हुआ। नसल में हकीकत और अफसाना नावल 2007 में मंजर आम पर आया। अफगोई व बेबाकी नसरी मजामीन का मजमू 2017 में मंजर आम पर आया।